पापा आ गए, पापा 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 आ गए, पापा आ गए, पापा आ गया, तुमको पता चल गया कुकी पापा आ गए। हाँ आज आज बेटे इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ खोल खोल, आइए आइए आइए। इसको मेरे को समझ में आ गया पापा आ गए, जैसे बोले तो वापस जाने लग गए। हो हालत खराब है ना, तो गर्मी तो बंद कर दे, बारिश कोई बात नहीं, हल्का सा धक्का दे दीजिए, बंद ही नहीं हो रहा था यार, क्या फंस गया। हे कुकी, बंद कर दीजिए, पता चला कि वो चली गई, भाग जाती है आजकल ये भी। कुकी मत कर बेटा, देंगे देंगे हाथ कट, ये अपना शुरू कर दी, ये देखिए ये अपना शुरू कर दी, इतना दम है इसके पास, एक किलो उठा ली। हाँ वो बहुत दमदीर इंसान है, दमदीर इंसान है ना। हाँ ये कुकी जो एक्साइटेड होती है ना, उसको संभाल कर रखना, मतलब बच्चा है ना, वो अपना एक्साइटेड इसके ऊपर चढ़ने लग जाती है, उसको खुशी हो रही। हाँ और इतना गल्ला पानी पापा लेके आ गए यार, ये पापा सारा खा जाऊंगी। डली डली रुकी, मैं बैठी हूँ, तो थके हुए लग रहे, रुकी मैं चीज लेके आती हूँ। तो मेरे थकेले पति देव के लिए, तो बारिश से ना गर्मी और बढ़ गई थी। हाँ तो बारिश हुई, कल भी जो बारिश हुई मतलब ठीक ठाक हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है अच्छी कि आपको वो शांति दे सके, वो तो हुआ नहीं। मैं खिलाऊ ना, एक हाथ बड़ा ब्लॉक था ना। थैंक यू, आप थक के आए थे। ये क्या कर रही है मिल्की, ये क्या है? हाँ कुकी तुम मिल के खाओगे दोनों, खाने का चीज नहीं है। तो एक सामान वहीं पर रख दिए, कुकी उठा के मारा दी, उठा के तो ये है आपका मिल्की कुकी यार, दोनों में दोनों यार कुछ दिखाने नहीं देते, उनको चाहिए कि उनको समझ जाए। हाँ ये वो है ना नमकीन, पहले तो ये अटैक करती थी। हाँ अब ये दोनों मुंह पे चले रहते, क्या दिखा रहे पापा। सही बात है, दोनों को चाहिए क्या है, दे दो तेज़े फटाफट पे दिखाइए थोड़ा सा सामान, ताकि इन लोग से हटाया जा सके, तो इन लोग ना अटैक करने में लग रही थी। क्या है ये, कुछ खाने का आइटम लग रहा है डालिंग, लास्ट में दिखाएंगे क्या कुछ खाने का आइटम लग रहा है ना। नहीं अभी खाने का नहीं है, मतलब ऐसे स्नैक्स के तौर में, वो नमकीन टाइप से ही स्नैक्स है क्या? अच्छा अच्छा ये क्या है? ओ ये है मुँह कुत्ते से बिल्कुल नहीं बना है, लेकिन तो समोसा मोसा ले। हाँ मुझे तो समोसा मोसा है क्या, लेके ना चाय के साथ मजा आए खाने में। अच्छा ये दूध है, मैं ही दिखा देती हूँ आप दूर बैठे तो। नहीं, मैं आ रहा हूं दोस्तों, ये है पालक, आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा होता है, कभी जिंदगी में खाया नहीं तो देख लीजिए ना पालक। ये, हाँ। ये बॉल होता है जिसको छील के खाते हैं। हाँ ये हम लोग के यहाँ दिल्ली जैसी सिटी में पाया जाता है सर। ये भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, जिंदगी में कभी ऐसा फल तो देखा ही नहीं होगा। और सब्जी है ना इसकी, बहुत बेहतरीन सब्जी बनती है, जिसको कुम्भड़ा बोलते हैं आप लोग, गवार इंसान है क्या पता क्या बोलते होंगे, हम लोग तो बहुत रहीस है, हम लोग कुम्भड़ा ही उमड़ा ही बोलते हैं। इसमें से कटहल निकाल निकाल के फेंक रही है। देखो ये है बैगन, कभी लोगों ने देखा नहीं होगा, दिखाई नहीं लोग को, आप लोगों को पेड़ पे बैगन होता होगा, हम लोग हवा में ऐसे लगता है। ये नींबू है और ये है ये कच्चा आम, काचा बादाम बोलो, और उसमें धनिया है। और ये है, ये मुझे बहुत शानदार लगा, इस आम को मैं दिखाता हूँ दोस्तों, एक सेकंड में तो गंदा लग रहा हूँ यार, बारिश से भीग भीग गए हैं, कोई बारिश भी है उससे ज्यादा पसीना है, इतना प्यारा आम यार, टेस्ट करवाए अभी नहीं, पानी में डालेंगे ना, ये कार्बाइड से पका होता है, ये ऐसा क्या देख रही हो? हाँ खा के मजा आएगा, ये दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं देखे, देखिए और अगर हम चाटने में लगी है, ये अपना निकाल के वो करने में लगी है, हो गया हो गया हो गया। तो दोस्तों मेरे पति देव थक मत क्या है, हाँ, तो थोड़ा सा हाँ, फ्रेश हाँ, होते फिर मिलते हैं, फिर मिलना तो रखो फ्रिज में, रख दो बेटा, आ जाओ उठाओ, हाँ जाओ जाओ फ्रिज खोलने पर लेके आएगी, आ जाओ फ्रिज खोली ना। हाँ ओ देखो देखो मेरी बच्ची कितनी समझदार है, रख दो अंदर, रख दो, देखो वेरी गुड, एक और पैकेट ले आओ, जाओ लेके आओ उसको, नहीं उसको नहीं बेटा, एक और ले जाओ, इधर आओ, सेट कर दे, आ जाओ, एक और ले जाओ, पापा सामान लेके जा रहे हैं अपना, इसको भी रख दो बेटा, इसको भी रख दो, हो गया हो गया हो गया, उसे दूध पिया,
चलो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये भी विवेक ये भी मिल्की के लिए लेके आए, क्योंकि अभी जरूरत होता है ना कि बच्चे बार बार सुसु करते हैं, तो कम से कम उसके पास रहना चाहिए। कितना सारा ले आए? अच्छा हुआ ज्यादा ले आए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पीस लेके आए है ना। हाँ, इसके लिए लेके आए थे। और लेके आएंगे क्या? हाँ और लेके आएंगे, तुमको दिखाने के लिए लेके आएंगे, पसंद है कि नहीं। और बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हाँ पहना के ट्राई करके देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता, मतलब हो जाएगा आराम से। ये दोस्तों बहुत जरूरी थे ये, तो ये एक करके सारे सब्जी को अंदर रखूंगी। और ये भी दिखा दोस्तों कि आज ही ये भी आया है, ऑनलाइन मंगाए हैं इसको। ये बड़ा पीस है, खत्म ही हो गया था 76 पीस वाला। हाँ ओ इसको ही मतलब खुशी मिलती है, पकड़ पा रही क्या करे थी, खोलो तुम्हारा आइटम। हाँ इसका खर्चा बड़ा, ये खर्चे का पहाड़ है ये, चौकेगा। पहनाओ डायपर भी पहनाओ, वाह रे वाह। नहीं खुशी मिल रही है, मेरा माल आ गया, मेरा माल आ गया, लव इट है ना। हाँ हाँ है ना, मिल्की का सामान है भाई, मिल्की का सामान। अच्छा दोस्तों दिखा दूं कि एक पहन लीजिए, खड़ा करिए थोड़ा सा, दिखाइए इसको जरा, देख सकते हैं दोस्तों। ये जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला रे, फूल खिला है। दिखा तो दुनिया को मेरी चड्डी है सबसे बड्डी, हम तो हीरोइन हैं, हीरोइन है ना। ये तो अपसेट कर रहे हैं, पूरा सफर रहे हैं, क्या करूं, मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी, मैं कर रही थी यार, आपको जस्ती है लगना, आप जाइए कपड़े चेंज करिए करके। और ये बोलूं डार्लिंग क्या बनेगा खाने में, क्या बनना रात में, क्या खाने का मन है? काजू की सब्जी। काजू की सब्जी आज सिर्फ रोटी बनेगी या पराठा, कुछ जो मन होगा वो बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। बोली क्यों? क्यों? क्योंकि सब्जी पड़ी हुई है, दिखाइए जरा, दिखाइए दोस्तों, आज दिखाते हैं। नहीं पता ये क्या है, काला काला कलर इसमें बोतल में, क्या इसमें क्या है? इसमें तो चाउमीन बना के रखे थे, चाउमीन बना के रखे थे, कल ही बनाया था तब कर रखा। ये क्या है इसमें, कौन सब्जी है ये? कुमड़े की सब्जी है, ठीक है, सब्जी ये हो गई है। और इसमें बगल में क्या है, इसमें ये बेबी का, ये तो वो काजू वाजू का पिसा हुआ पेस्ट है। हाँ ये चलो, ये तो कल ये भी कल पीस के रखे थे, बेबी खाने में ऐड करते हैं। और ये क्या है, ये कौन से गर्म में आलू रखा हुआ है, कौन सा है यार? दोस्तों देख सकते हैं, मतलब दोस्तों ये फ्रिज होता है ना दोस्तों, पता है किस लिए होता है? ये पुराना कोमरे का सब्जी, दो ये कल वाला, ये पुराना है, ये नहीं पता मुझे, वो हाल फिलहाल वाला है ना, वो दो तीन दिन, ये हाल फिलहाल वाला है, ये तो बहुत पुराना, आम जब पिछली बार था तब का है। ये कब का है, कल का है क्या? ये अगर ये खाया जा सकता है, उसको खाएंगे हम, अब वो एक दो दिन पहले का है कुमड़ा, वो खाएंगे, वो 10 दिन पुराना तो उसको फेंकेंगे। दोस्तों भाई बता सकते हैं, देखिए ये फ्रिज होता है सामान को रख के भूल जाने के लिए, और उसको फिर खराब करके 10 दिन बाद फेंकने के लिए। तुरंत मत फेंको आप, है ना, 10 दिन बाद डिसाइड करके फेंको कि हम अब नहीं खा सकते हैं। मैं चीज़ दिखा दूँ कि ये आम है, कच्चा आम है। तो ये डार्लिंग आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने रुपए किलो है आम? 20 रुपए किलो। और इससे पहले आप कितने रुपए किलो लाए थे? 10 की 15। इससे पहले नहीं, वो तो उससे पहले सबसे पहले 15 रुपए किलो लाए थे, फिर आप 25 रुपए किलो लाए थे, है ना, फिर अभी आप लाए हैं तो 20 रुपए किलो के। दोस्तों आप देख सकते हैं, यही वो आदमी है जिसने क्या बोला था, जब आप 15 रुपए किलो था तो मैंने बोला नहीं कितना सस्ता मिल गया है यार, फटाफट ले आइए ताकि मैं चार डाल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तब बोला कि और कम होगा, क्या हुआ 25 रुपए किलो का? मुझे डर लग रहा था दोस्तों की 30 रुपए किलो ना हो जाए, 40 रुपए। कितना था, 2 किलो आम? हाँ पिछले बार कितना लाया, 2.5 किलो। हाँ अभी फिर से 2.5 किलो आम। दोस्तों अचार अचार नहीं डलता है, जो नहीं अचार डालने का पर्पस था ही नहीं, वो तो कभी से था ही नहीं, खाने का पर्पस था। खाते चटनी खाते हैं आम का, वो क्या क्या बनाते हैं, कितना मजा आता है, सब एंजॉय करते हैं। और रही बात दूसरी बार लाना था आम का वो करने के लिए, अचार बनाने के लिए, तब तक महंगा पड़ चुका था। मैं नीचे ठेले में पता करी थी तो 50 रुपए किलो मिल रहा था, तो मैंने आके वाके बताया जाने 50 रुपए किलो दे रहा था, तब बोला कि मैं मंडी में जाऊंगा तो वहाँ से सस्ता मिलेगा, तो 25 रुपए किलो था, है ना। तो कुल मिला के दाम बढ़ा ना कि नहीं बढ़ा? तो एक साथ अगर 10 किलो आम ले भी आएंगे तो पक नहीं जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा? अरे तो वो तो क्या कहते हैं, वो तो अचार तो फटफट डल जाएगा, लेकिन आपने क्यों बोला था कि 15 रुपए से और कम होगा? कम नहीं हुआ, बढ़ा है। अभी का जो सीजन का आम आ रहा है वो कार्बाइड से पका होता है, तो बनाने से पहले खाने से पहले इसको 2-1 घंटे पानी में छोड़ दे, टॉपिक चेंज। हाँ अपना अलग ही पगला रही है, इसको डायपर मिल गया तो खुशी मिल गई है, ऊंचा ऊंचा के खेल रहे हैं। सब्जी सही में नहीं बनेगा, एक सेकंड आप इस साइड आ जाइए, थोड़ा साइड आके बात करिए, हल्का से लाइट में पड़ रहा है। सब्जी नहीं बनेगा क्या? सब्जी दिखा दो, दिया क्या क्या सब्जी है, क्यों बनना है सब्जी?
क्या स्पेशल खाना है? तीन प्रकार की सब्जी रखी हुई है, चौथी प्रकार का और ऐड करना चाहते हैं ताकि दही आलू पराठा के लिए। आलू भी तो रखा हुआ है ना, वो भी उबल के 10 दिन पुराना, कितने दिन तो 4 दिन पुराना, कितना पुराना हो गया पता भी नहीं, याद भी नहीं। तो आलू के पराठा का आलू तो चला गया ना। ये क्या है?